वक्त तब आप देख रहे हैं भारत समाचार। उकड़ते हैं खबरों की ओर। खबर गाजियाबाद से है जहां कोर्ट में जमकर हंगामा और बवाल देखने को मिला है। जिला जज के कोर्ट के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। बता दें कि वकीलों पर पुलिस ने कोर्ट परिसर में लाठीचार्ज किया है। नाराज वकीलों ने भी पुलिस पर पथराव किया। जिला न्यायालय परिसर में जमकर हंगामा और ये बवाल देखने को मिला है। वकीलों ने कोर्ट परिसर में पथराव और तोड़फोड़ किया है। जिला जज ने मौके पर पुलिस फोर्स बुलाई है। एक केस की सुनवाई के दौरान ये हंगामा और बवाल देखने को मिला है। वकीलों पर जिला जज के साथ बदसलूकी का आरोप लगाया गया है। तो गाजियाबाद का ये पूरा मामला है जहां देखिए एक मामले में सुनवाई हो रही थी उसी दौरान ये हंगामा और बवाल हुआ है। तो जज के साथ बदसलूकी का भी आरोप लगाया गया। आप देख सकते हैं भयंकर ये बवाल देखने को मिला है जिसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। अब इस मामले में देखिए जांच पड़ताल की जा रही है। तो ये लाठीचार्ज किया गया। देखिए एक मामले की सुनवाई हो रही थी उसी दौरान ये जमकर बवाल और हंगामा हो गया। गाजियाबाद का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो वकीलों पर देखिए जज के साथ बदसलूकी का भी आरोप लगा है। सुनवाई के दौरान हंगामा और ये बवाल देखने को मिला है। तो वकीलों ने कोर्ट परिसर में पथराव और तोड़फोड़ किया। जिला जज ने मौके पर पुलिस फोर्स बुलाई है। एक केस की सुनवाई हो रही थी उसी दौरान ये बवाल देखने को मिला है। तो देखिए वकीलों पर जिला जज के साथ बदसलूकी का भी आरोप लगाया गया है। और ये गाजियाबाद का पूरा मामला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से बवाल और ये हंगामा देखने को मिला है। तोड़फोड़ की गई है। देखिए मौके पर तमाम आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता लोकेश हमसे जुड़ चुके हैं। लोकेश, ये कोर्ट में जमकर हंगामा और बवाल देखने को मिला है, क्या कुछ ये पूरा मामला? देखिए आज सुबह के समय जब जिला जज की अदालत में सुनवाई चल रही थी एक केस के मामले में जिस पर बेल पर बहस चल रही थी, तो यहाँ पर एक वरिष्ठ अधिवक्ता नाहर सिंह यादव है वो इस केस में बेल पर बहस कर रहे थे जिला जज की कोर्ट में। और वहीं पर विवाद शुरू हुआ और यहाँ तक की नौबत बदसलूकी तक आ गई और वहाँ पर कुछ इस तरीके की बातें आई कि जिला जज के चैम्बर में घुस करके वकीलों ने वहाँ पर हंगामा शुरू कर दिया और वहाँ पर नारेबाजी शुरू कर दी। जिसके बाद जब जिला जज उठ करके चैम्बर की तरफ जाने लगे और उन्होंने देखा कि तब उन लोग जो वकील हैं वो उनकी चैम्बर की तरफ बढ़ने लगे, तब उन्होंने पुलिस को कॉल किया और मौके पर पुलिस और पीएसी का बल पहुंचा जिन्होंने उसके बाद मौके से और जिला जज की कोर्ट से सभी वकीलों को बाहर किया, खदेड़ दिया। और इसका रिटेलिएशन ये हुआ कि नीचे वकीलों में गुस्सा था इस बात को लेकर के उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया और पुलिस के इस लाठीचार्ज के विरोध में उन्होंने भी पत्थरबाजी की और इसमें कई वकील भी घायल हुए हैं। हालांकि पुलिस फोर्स अब पूरी तरीके से इस जिला कोर्ट के परिसर के भीतर पहुंच चुकी है। जो सेंट्रल मिलिट्री पैरामिलिट्री फोर्सेज आई हुई थी उनको भी कॉल किया है, आरएएफ भी कॉल है की गई है, पीएसी भी कॉल की गई है। पूरे कोर्ट के सभी जो कोर्ट रूम्स हैं उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया है। एक तरफ जो वकील हैं वो मौजूद हैं और दूसरी तरफ पुलिस है वो मौजूद है और लगातार वहाँ पर एक तनाव की स्थिति बनी हुई है। जो पुलिस के डीसीपी स्तर के अधिकारी हैं वो लोग मौके पर हैं और लगातार वहां पर जो स्थिति है उसको सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। बावजूद इसके एक तनाव की स्थिति बनी हुई है और वकीलों का गुट पूरी एक तरीके से पुलिस के खिलाफ है इस मामले में, क्योंकि उनकी तरफ से जो लाठीचार्ज की कार्रवाई की गई है उससे वकील बेहद ज्यादा जो है खफा है। और उन सभी वकीलों की वीडियोग्राफी भी कराई गई है क्योंकि अंदर पूरा जो परिसर है वो सीसीटीवी सर्वेलेंस में है, तो उसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। वकीलों का आरोप है कि पुलिस ने बिना कोई बातचीत किए और बिना किसी चेतावनी के ही सीधे तौर पर लाठीचार्ज कर दिया, तो अलग अलग तरीके के बयान आते हैं। फिलहाल तनावपूर्ण एक स्थिति बनी हुई है भीतर कोर्ट के और जो पूरे कोर्ट की परिसर है उसको छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया है। लोकेश, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि एक तरफ अभी भी वकील है और दूसरी तरफ पुलिस है, तो वकीलों का आप क्या कहना है इस मामले पर, पुलिस का क्या कुछ कहना है? देखिए वकील जो है साफ तौर पर वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हालांकि वो अपने चैम्बर्स की साइड में है और जो बाहरी सड़क है कनेक्टिविटी की वो उस तरफ एक तरफ इकट्ठा है। कोर्ट परिसर से सभी वकील हट गए क्योंकि फोर्स इतनी ज्यादा तैनात कर दी गई है कि किसी तरीके का आगे कोई विवाद ना हो। दूसरी तरफ जो पुलिस है वो भारी संख्या में यहाँ पर फोर्स जो है वो तैनात किया गया है ताकि जो तोड़फोड़ या फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो हो
वो ना पैदा होने पाए। तो ये तनाव की स्थिति, बार बार कह रहा हूँ मैं कि तनाव की स्थिति बनी हुई है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन बावजूद इसके, चूंकि त्यौहार का समय है, वकीलों की संख्या भी कम है, केवल वो वकील यहाँ पर मौजूद हुए जिनके की आज कोर्ट में केसेस लिस्टिंग में थे। अदरवाइज पूरे कोर्ट कचहरी परिसर को आप देखेंगे तो थोड़ा सा आज जो वकीलों की संख्या है वो जरूर कम है। लेकिन जिस तरीके की घटना हुई है, खासकर एक बेल पर बहस के दौरान जिला जज की कोर्ट के अंदर जिला जज से ही जो बहस हुई है, जो उनके साथ बदसलूकी हुई है, जो गाली गलौज की, जहां तक जानकारी मिल रही है कि गाली गलौज तक की है वकीलों ने, तो इसी के बाद उनकी तरफ से पुलिस कोर्ट को कॉल किया गया था ताकि वकील जो है कोई और ज्यादा बड़ा कदम ना उठाए, और तभी वकीलों को लाठी चार्ज करके वहां से हटाया गया है। लोकेश, देखिए जिस तरह से आपने बताया कि जो बड़े आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं, पुलिस की तैनाती कर दी गई है, तो क्या कुछ बयान सामने आया है, क्या इस मामले में कोई बड़ी कार्रवाई की जाएगी? देखिए यकीनन जो कुछ घटनाक्रम कोर्ट के भीतर हुआ है उस मामले, क्योंकि कोर्ट परिसर डिस्ट्रिक्ट जज के अंडर आता है, तो वहाँ उनकी शिकायत पर या कोर्ट के किसी भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है उनकी शिकायत पर जरूर इस मामले के अंदर एफआईआर दर्ज की जाएगी। फिलहाल जो अधिकारी हैं वो केवल डीसीपी स्तर के यहाँ पे हैं अधिकारी पहुंचे हैं। जहां तक बात की जाए गाजियाबाद के कमिश्नर की, वो अभी तक यहाँ पर नहीं आया, ना ही उनकी तरफ से कोई इनिशिएटिव अभी तक कुछ नजर आया। यहाँ पर पुलिस की तरफ से भी केवल इतनी बात सामने आई है कि इस मामले के भीतर जो विवाद था वो कोर्ट रूम के भीतर से शुरू हुआ, जो कि बाद में पुलिस के हटाने के बाद पुलिस और वकीलों के बीच में तब्दील हो गया है। हालांकि अभी भी ये जो विरोध का दौर है वो जारी है, और अगर आप कुछ देखेंगे तो लगातार फोर्स की जो अंदर तैनाती है वो की जा रही है। मेरे बैकग्राउंड से अगर आप ये देखें तो धीरे धीरे फोर्स की मूवमेंट्स है जो ठीक है। लोकेश आप बने रहेंगे हमारे साथ, आएंगे आपके पास। तो देखिए नाराज वकीलों ने कचहरी पुलिस चौकी को फूंका है, ये गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार ये बवाल देखने को मिल रहा है। और देखिए नाराज वकीलों ने चौकी को ही फूंक दिया है, जिस तरह से बवाल हुआ है पुलिस और वकीलों के बीच, अब देखिए ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि कचहरी पुलिस चौकी को ही वकीलों ने फूंक दिया, अब जो बवाल है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए इससे पहले हंगामा और पथराव किया गया, जिला न्यायालय परिसर में जमकर हंगामा और बवाल देखने को मिला, जहां वकीलों ने कोर्ट परिसर में पथराव किया, तोड़फोड़ किया, जिला जज ने मौके पर पहुंचा। और देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां चौकी को वकीलों ने फूंका है, तो लगातार ये बवाल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए एक तरफ भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और दूसरी तरफ वकीलों का ये हंगामा देखने को मिला है, जहां वकीलों ने पुलिस चौकी को ही फूंक दिया है। अब देखिए तोड़फोड़ एक तरफ किया गया, जिला जज ने मौके पर पुलिस फोर्स बुलाई, एक केस की सुनवाई के दौरान ये हंगामा और बवाल देखने को मिला, जहां वकीलों पर जिला जज के साथ बदसलूकी का भी आरोप है। और देखिए वकील लगातार हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं और पुलिस चौकी को ही देखिए फूंका गया है वकीलों की तरफ से, ये मामला जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और लगातार हमारे साथ सहयोगी लोकेश बने हुए। लोकेश देखिए बड़ी जानकारी सामने आ रही है, वकीलों ने पुलिस चौकी को ही फूंक दिया है। जी बिल्कुल, भीतर जो है पुलिस चौकी में आग लगा दी गई है, तोड़फोड़ की सूचना पहले आई थी लेकिन अब वो आगजनी कर दी गई है। और मेरे पीछे आप जो ये फोर्स की मूवमेंट देख रहे हैं जिला सत्रालय के भीतर, वो लगातार बढ़ती जा रही है, एक के बाद एक जो पुलिस के फोर्स है वो यहाँ पर बढ़ा दी गई है, और पूरी तरीके से इस कोर्ट को छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया है। आज जितने भी केसेस यहाँ पर पेंडिंग थे वो सभी केसेस जो है आज जो सुनवाई होनी थी वो सभी केस आज बंद कर दिए गए हैं और उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। पूरी तरीके से सुरक्षा के मद्देनजर कोर्ट रूम को खाली करा दिया गया है, पूरे कोर्ट परिसर को, और जो भीतर कोर्ट का हिस्सा है, चाहे वो पुलिस चौकी का हिस्सा हो जिसको आगजनी के हवाले कर दिया गया है, या इसके बगल के और जो प्रीमाइसेस हैं उनकर क्षति ना हो, इसको लेकर के पूरी फोर्सेस की है। मेरे पीछे अगर आप बैकग्राउंड में देख भी रहे होंगे तो लगातार आप मूवमेंट देख रहे हैं पुलिस फोर्स के, कि पुलिस फोर्स जा रही है। एक तरफ जिले में आचार संहिता लगी हुई है, हैवी डिप्लॉयमेंट है, चुनाव के नजदीक है, त्यौहार के नजदीक है, उसके बीच में वकीलों और पुलिस का ये बवाल पुलिस के लिए एक बड़ी सरदर्दी बनकर सामने आया है। शुरुआत इसकी जिला जज के कोर्ट में, जैसे कि बताए रहे थे कि एक बहस के दौरान वकीलों के बदसलूकी के साथ शुरू हुई, और उसके बाद ये पूरा मामला पुलिस वर्सेस वकीलों का हो गया है, और एक लंबे अरसे के बाद इस तरीके की घटना हुई है कि कोर्ट रूम के अंदर हंगामा किया गया, वहां पर बदसलूकी की गई, और चौकी फूंकी गई है। ये कोर्ट से कितनी दूरी पर ये चौकी है जहां पर ये चौकी ही फूंक दी गई है वकीलों द्वारा?
देखिए ये ठीक कोर्ट के जो नीचे जहाँ से एंट्रेंस होता है वहीं पर ये पुलिस चौकी बनाई गई है, कचहरी पुलिस चौकी का नाम है, जो कि कविनगर थाने के अंडर आती है। और उसी जगह पर जो चौकी है, चूंकि वहीं से उतरने का रास्ता है, तो वकीलों के लिए सबसे इजी सबसे इजी टारगेट पुलिस चौकी थी, वो कचहरी की पुलिस चौकी, जो कि अमूमन खाली रहती है क्योंकि जो उसके पुलिसकर्मी है वो सभी लोग ड्यूटी के अंदर डिप्लॉय रहते हैं कचहरी परिसर में। तो उसको जलाया गया है क्योंकि वो खुद ठीक कोर्ट के नीचे मौजूद है एक कोने के भीतर। और अगर कोर्ट से आप डिस्ट्रिक्ट जज के से दूरी की बात करें तो केवल एक फ्लोर की दूरी है, एक फ्लोर के ऊपर डिस्ट्रिक्ट जज का मेन कोर्ट है जिसके अंदर ये हंगामा शुरू हुआ था। तो एक बड़ी जानकारी यह है कि जो विरोध है वो कुछ इस कदर का है कि विरोध के बाद अब फाइनली वो तब्दील हो चुका है आगजनी के अंदर, तोड़फोड़ के अंदर, और वो विरोध अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। चलिए ठीक है, नजर बनाए रखिएगा लोकेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए।